बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के दो सदस्य श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल, ये दोनों वाराणसी गाजीपुर से संबंधित हैं, यहां से अपना संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं। और इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब टोक्यो ओलंपिक में ललित कुमार उपाध्याय ने भारतीय हॉकी टीम के साथ उस समय मेडल जीता था, तो मैंने पूरे भारत की उस टीम को, जिन्होंने ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते थे, उस टीम को भी बुलाया था और उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को भी मैंने बुलाया था जिन खिलाड़ियों ने वहां पर प्रतिभाग किया था, वहां पर पदक जीते थे, उन सबको मैंने लखनऊ बुलाया था और लखनऊ में एकाना स्टेडियम में बड़े समारोह में उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें उत्तर प्रदेश भर के खिलाड़ी बुलाए गए थे। उस समय हमने सबको सम्मान किया था, फिर ऐसा ही कार्यक्रम हम लखनऊ में आयोजित करने की व्यवस्था फिर से करने जा रहे हैं। और लेकिन मैं अभी से इसके लिए जरूर बता दूं कि इन दोनों खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक में पदक जीता है, इन दोनों खिलाड़ियों को हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल प्रदान करने की व्यवस्था इस आयोजन के माध्यम से लखनऊ में आयोजित होने वाले समारोह में करने जा रहे हैं। हम अन्य खिलाड़ियों का भी सम्मान करेंगे, जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग किया है उत्तर प्रदेश का ओलंपिक में, उस खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए की सहायता, उत्तर प्रदेश का अगर खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश का वासी है, तो उसे 10-10 लाख रुपए हम लोग उपलब्ध करवाएं, अपनी तरफ से प्रतिभाग करने का उपलब्ध करवाएंगे। इसमें पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले मेरठ की सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची, इन सबको भी हम इसके साथ यहां आमंत्रित करेंगे और उन्हें सम्मानित करने का कार्य करेंगे।